ये प्रश्न तो आपने बड़ा अच्छा किया है, मगर इस प्रश्न के पीछे जो मूल कारण है उसको थोड़ा सा समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सावधानियाँ हर जगह तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर पेट्रोल पंप पे ज़्यादा क्यों हो रही हैं और क्यों इस पे घड़ी घड़ी चर्चा होती है, ये होती है, जानने की कोशिश करें। जब भी इस तरह की चोरी या इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं उसके दो मूल उद्देश्य होते हैं। एक तो या तो उसको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा या तनख्वाह नहीं मिल रही इसलिए आदमी भ्रष्टाचार करता है, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आदमी ही विकृत है, उसको जरूरत से ज़्यादा लालच है। ये दो कारण है पेट्रोल पंपों के। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये पेट्रोल पंप डीलर्स को बहुत कम मार्जिन है, जिस रेट पे पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया जाता है वो निश्चित है भारत सरकार द्वारा या ऑयल कंपनियों द्वारा, किस भाव बेचना ये भी निश्चित है ऑयल कंपनी और भारत सरकार द्वारा, क्योंकि ये मार्जिन बहुत कम है और ये बरसों से रिवाइज नहीं हुआ है, प्रॉपर मार्जिन नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें तो 15-15, 20-20 साल से रिवाइज नहीं हुई है, उसकी हम सतत लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। ये एक विषय इस पहलू का। अब जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको मूल रूप से ये हम यहाँ लिख के भी रखें कि सबसे पहले वो ज़ीरो देखे कि उसको मीटर ज़ीरो कर दिया गया, फिर उसने जो मात्रा मांगी है या जिस अमाउंट में उसने पेट्रोल मांगा है उतना उसने सेट कर दिया कि नहीं, या बगैर सेट कराए भी ले रहा है तो उतना मीटर में आया कि नहीं, ये उपभोक्ता को देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे भी कर्मचारी जो हैं ये भी समाज में देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार बेईमानी फैल रही है हो रही है तो ये इससे कोई अछूते नहीं है। इनके दिलों में भी ये रहता है कि हम भी ग्राहक का थोड़ा सा माल लें, हमारे पास भी पैसा आ जाए, हम भी बढ़िया मोबाइल ले लें, हमारे घर में भी रेफ्रिजरेटर हो, मेरे पास भी बढ़िया मोटरसाइकिल हो, मुझे भी घूमने फिरने को चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, वहाँ के खर्चे इतने बढ़ गए हैं और बाकी सारा पारिवारिक परिवेश में खर्चा चाहिए और दूसरे लोगों को देख के उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा घूमूं, बढ़िया रईस बन के, हीरो बन के, बगीचे में जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, शादी विवाह में जाऊँ, सूट पहनूँ, लोग देखें। तो ये एक स्वाभाविक इंसान की इच्छा होती है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो बेईमानी करता है। अगर उसको प्रॉपर पैसा मिल रहा हो, मिनिमम वेजेस एक्ट बना रखा है, हम लोगों पे भी वो लाद रखा है उसको, मगर दें कहाँ से, यही समस्या होती है। ये तो वही पंप डीलर चल रहे हैं जो जिनकी खुद की इतनी आवश्यकता नहीं है या जिनकी दूसरी सोर्सेज हैं इनकम की, वही चला पा रहे हैं, बाकी नहीं तो इस तरह के व्यवहार होते ही रहेंगे। आप देखें अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, 7वां, और हमारे को जो अभी डीलर मार्जिन मिल रहा है वो शायद 4थे या 3रे वेतन आयोग के समकक्ष ही मिल पा रहा है। खर्चे इतने बढ़ गए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट अभी पिछले साल अक्टूबर में रिवाइज कर दिया, बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, बाजार में महंगाई इतनी है, तो सारे दोनों एंड कैसे मिलेंगे, संभव नहीं। तो इस चीज़ पे मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कई पत्र लिखे हुए हैं, हमारी नेशनल बॉडीज जो हैं वो भी इसमें काफ़ी कार्य कर रही हैं। सरकार हर बार एक अपने जो देश में कायदा एक आयोग बिठा दो, एक कमेटी बना दो, उसकी रिपोर्ट आएगी, बरसों वो चलेगा, लाखों रुपया वो आयोग में बनने में चलने में खर्च हो जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट पड़ी रहेगी रद्दी की टोकरी में, उन्हें फिर हल्ला मचाया, एक दूसरा आयोग बना दो, दूसरी कमेटी बना दो। तो ये सतत 20-25 साल से 40 साल से हमारे धंधे में भी हो रहा है, और क्योंकि इसमें ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है इस कारण लोग इस तरह की बेईमानी करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं। जब तक सरकार प्रॉपर मार्जिन नहीं देगी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये जो चिप लगा के अभी उत्तर प्रदेश का मामला आया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ, इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर आपको जितना पैसा मिल रहा है उसी में अपना काम चलाएं, अन्यथा धंधा बंद कर दें, मगर उत्तर प्रदेश क्या तो सब पूरे हिंदुस्तान को मालूम है क्या परिस्थितियां हैं वहाँ, किस तरह से भ्रष्टाचार बेईमानी और सब कुछ व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। अब नई सरकार आई है, उम्मीद है कि इसमें सुधार करेगी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था तो पूरी
मेरे ख्याल से भंग है। देखिए कंपनियां तो करती रहती हैं, सतत करती रहती हैं, कस्टमर्स को बोलती रहती हैं, तरह तरह के ऐड आते रहते हैं, सब होता है, मगर फिर भी अपने यहाँ तो अज्ञानता ज़्यादा है, निरक्षरता ज़्यादा है, लोग समझते ही नहीं, करते ही नहीं हैं, और फिर कंपनियां करेंगी कैसे? वो खुद ही दोषी हैं, हमें जब प्रॉपर मार्जिन नहीं दे रही तो हमसे कितनी देर बोलेंगी, हमसे दुनिया भर की बातें वो करने करते हैं। अभी टॉयलेट्स का शुरू कर दिया, अरे टॉयलेट का काम नगर निगम और इनका है, स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं का, इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, बजाय कि पेट्रोल पंप वाले को पीछे पड़ी हुई है। एक हरिजन सफाई कर्मी आता है रोज 150-200 रुपए रोज लेके जाता है, तब वो टॉयलेट साफ रखता है, वो भी टॉयलेट साफ सफाई नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फिनाइल चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, और दूसरे क्लीनिंग के जो सामान आते हैं वो चाहिए, टूट फूट होती है, नल की टोटी निकाल ले जाते हैं, कहीं कुछ करता है, कभी पानी चाहिए, ओवर हेड टैंक्स चाहिए, कहाँ से सब हो, ये थोड़ी सोचती हैं। ऑयल कंपनियाँ खुद क्यों नहीं टॉयलेट्स बनाती हैं? इंडियन ऑयल को चाहिए 10 टॉयलेट शहर में बनाए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चाहिए 10 टॉयलेट बनाए, भारत पेट्रोलियम को चाहिए 10 टॉयलेट बनाए, नगर निगम को प्रेशर होना चाहिए कि टॉयलेट्स बनाओ और टॉयलेट्स के ऊपर पानी और इस सब की व्यवस्था हो। ये सारे खर्चे आप पंप वालों पे लादे जा रहे हो और कमीशन बढ़ा नहीं रहे, चेकिंग तो सतत होती है मगर ऐसी ऊपरी होती है, या हो सकता है वहाँ के अधिकारी उस चीज़ को ठीक से ना गवा वो नज़रअंदाज कर रहे हैं।